राजीव त्यागी, आप लगातार हाथ उठा रहे थे, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, फिर मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा। बोलिए। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारत को किसी विदेश से क्या मिलता है, विदेश नीति इस मापदंड पर नापी जाती है। ट्रंप साहब के जीतने के बाद, या क्लिंटन जीती, या फिर अभी ओबामा साहब थे, भारतवर्ष के H-1B वीजा, कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर वो कम करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, यहां से कंपनियां अगर शिफ्ट होती हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो मेक इन इंडिया, जो अभी स्टार्टअप ही नहीं हुआ है, उसमें और बड़ी ठेस पहुंचेगी। तीसरा, पाकिस्तान को लेकर के क्या नीति रहती है, ये महत्वपूर्ण होगा देश के लिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम इसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में न बात करके भारतवर्ष की बात करें, भारतीयता की बात करें, भारत के लिए काम करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रंप साहब के साथ साथ राष्ट्रवाद पे जो आप कह रहे हैं, जो अपने में टिप्पणी मांगी थी, बहुत स्पष्ट कह दूं, मेरे लिए राष्ट्रवाद का जो परिप्रेक्ष्य है, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना, किसानों के आंसू पूछना, नौजवानों को काम देना, महंगाई में कमी लाना, पड़ोसी मुल्कों को ठीक से उनकी औकात बता देना, जवानों का शहादत में कमी आना, ये सब राष्ट्रवाद होता है। लेकिन अब राष्ट्रवाद की तरह तरह की परिभाषाएं देश में हो रही हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब पे डिबेट हो रही है, और ट्रंप साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे देश के साथ उनका प्रशासन ठीक से व्यवहार करे, और हमारे जो नागरिक यहां से जाते हैं उनसे ठीक से बर्ताव हो, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बागी अमेरिका का जो जितना भी आपका IT इंडस्ट्री है और जितना भी आपका स्वास्थ्य इंडस्ट्री है उसको बेहतर तरीके से चला रहे हैं, और हम वी आर प्राउड ऑफ आवर ऑल इंडियंस रिजाइडिंग इन अमेरिका। बिल्कुल ठीक बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी इस बात को समझता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री को जवाब दिया गया है ये कहते हुए कि वो भारत के साथ बेहतर संबंधों की दिशा में काम करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। मैं बताना चाहूँगा, मैं त्यागी साहब के जुमलों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं तारिक फतेह साहब और शाजिया के उन तमाम बातों से इत्तेफाक नहीं रखूँगा। मैं कहना चाहूँगा था रोहित भाई कि आज हिंदुस्तान हमेशा दूसरों के साथ अच्छी मुआफ़त के साथ रहा है, हिंदुस्तान दूसरों के साथ खुशहाली के साथ रहा है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और हमेशा जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो अमेरिका का कई बार दौरा किया। इससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने भी अमेरिका का दौरा किया, उस वक्त बिल क्लिंटन से भी मिले और हिलरी क्लिंटन से भी मिले। मैं ये कहना चाहूँगा फतेह साहब कि अगर आप ये कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर आतंकवादियों से मिलने के लिए जाया करते थे अमेरिका में? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के मनमोहन सिंह साहब हो या ओबामा से मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हो, अगर ये वहां जाते हैं तो क्या उन आतंकवादियों से मिलने के लिए जाते हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, हिलरी क्लिंटन हो या मुफ्ती साहब? मेरा एक सवाल है, मैं माफी चाहता हूं बीच में आपको टोक रहा हूं, मेरा एक सवाल है, आप जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, अमेरिका ने वोट दे दिया, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, आपके इन सारे सवालों से आपको लगता है कि उनकी कुर्सी डगमगाएगी? उनको चिंता करनी चाहिए इस बात की कि हिंदुस्तान की हाजी अली दरगाह के मुफ्ती साहब इस बात से नाराज हैं और मुसलमान इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत खुशहाल हैं, ना हमें पाकिस्तान से कोई लेना है ना कुछ देना है, पाकिस्तान से या अमेरिका से ना हमें लेना देना है, हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर बताना चाहेंगे, पूरी दुनिया से उठने वाली कोई भी आवाज़ अगर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होगी तो यकीनन उलमा इकराम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम अज़ कम उसके खिलाफ बात करें कि तुम हमारे खिलाफ बोलो मत, तुम हमें हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो। रोहित जी, ये मैं सहमत नहीं मुफ्ती साहब आपके जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तानियों को हिंदू मुस्लिम सिखाई में बात है, लेकिन वो मुसलमानों आम मुसलमानों की बात है, आम मुसलमानों की बात है, आपके लोग हैं, हिंदुस्तान की सेना पे हमें पूरा भरोसा है, हिंदुस्तान के आवाम पे हमें पूरा भरोसा है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पे हमें पूरा भरोसा है। देखिए, ये सब मत करिए, बिल्कुल हमें भी पूरा भरोसा है, लेकिन आवाज या स्वतंत्रता है हमारे लिए, ये स्वतंत्रता है, हमें हम लड़ाई करने के लिए नहीं, अपनी आवाज बुलंद तो कर सकते हैं, हम तो कह सकते हैं ना, ऐसा नहीं है जम्मू मुल्क में रहते जहां पर हम कह सकते हैं, आप इलेक्शन लड़े ना फिर सर, मुझे बिल्कुल हम अपनी बात तो कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के लिए इस्लाम का सहारा क्यों, मुसलमानों के नाम से सहारा क्यों? त्यागी जी और हाजी साहब, मुफ्ती साहब थोड़ा सा रुकिए, शाजिया, मुसलमानों के नाम का सहारा क्यों, इस्लाम के नाम का सहारा क्यों? शाजिया, हालांकि मैं समय काफी निकल चुका है, फिर भी मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, अभी मैं पढ़ रहा था, ही इज नॉट माई प्रेसिडेंट इज ट्रेंडिंग इन इंडिया, नहीं बहुत अच्छी बात है, ही इज नॉट माई प्रेसिडेंट इज ट्रेंडिंग इन इंडिया। देखिए, लखनऊ में हो रहा होगा, बोलिए शाजी। देखिए, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि उन्होंने अपनी दिमाग को बिल्कुल बंद ताले में रख दिया है, तो आप खोल नहीं सकते।
अगर उनको, जैसे कि आपने देखा था भारत में बस एक मोदी जी से नफरत है, तो उस नफरत को वो कायम रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो भारत का नुकसान भी होने देंगे, कम से कम ये कहने को होगा कि भाई मोदी जी ठीक नहीं है, तो उन्हें कोई बात हजम नहीं होती है। ऐसे ही लोग हर जगह हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस ट्रंप से को बस नीचा दिखाना, उसको इसको एक खतरनाक विलन के तौर पर पेश करना, उसकी हर एक बात को लॉकर रूम की जो बातें हैं, पुराने हाई स्कूल की बातें निकाल निकाल कर बखेड़ा करना, बजाय कि सीरियस को डिस्कशन हो और जो जरूरी मौजूदात पर, तो लोगों ने ये अपना धंधा बना लिया है। तो वो लोग जिन्होंने अपने दिमाग बंद रखे हैं वो बंद रखे हैं। हमें तो देखना पड़ेगा एविडेंस को, क्या करता है ट्रंप। हमने देखा है हिलरी जब एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा थी तो उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, देखते हैं ट्रंप क्या करते हैं। और ट्रंप अकेले नहीं है, पूरा पूरा उनको बैकिंग है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेट्स सी व्हाट ही डज। पर हम मौलवी साहब जो अभी बात कह रहे थे भाई साहब, इन्होंने कहा ना भारत की बहुत इज्जत करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि इज्जत करते हैं भारत की जुडिशरी और कोर्ट जो कहती है कि महिलाओं को भी हाजी अली दरगाह जिसके सलाहकार है जाना चाहिए, उसका भी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही वो करते रहें, और भारत के जो मुसलमान है उसमें औरतें भी शामिल हैं, उनकी भी इज्जत करें और उनकी भी अधिकारों के लिए बात करें तो और भी खुशी होगी। इस पे अगर चर्चा बढ़ाऊंगा तो दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन ये वादा करता हूँ कि अगली बार जब इस विषय पर चर्चा होगी आपको जरूर एक बार इनवाइट करेंगे कि आप आएँ इस पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका इस ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।